भूत होते हैं या नहीं इस पर बहस तो बहुत होती है पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरेज इन हिंदी में जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा, और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई आज ही घो स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले रात के कोहरे और सन्नाटे को चीरते हुए एक बड़े से कार में चार दोस्त अपने ही धुन में मगन होकर मस्ती करते हुए हाईवे से गुजर रहे थे यार काफ़ी लेट हो चुका है जल्दी कार भगा वरना आज मॉम मुझे घर में घुसने नहीं लगी मारिया जेक की तरफ देखते हुए बोली ओ कम मौन यार प्लीज डोंट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग पहुंचा देंगे तुझे टाइम से डोंट वरी जेक से पहले ही मारिया को जवाब देती है जेनी. मुस्कुराते हुए निलविन ने कहा चिल गाइस इतने अच्छे क्रिसमस पार्टी के बाद ऐसे मूड स्पॉइल मत करो एक बात तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अगर जेक ने नहीं इंसिस्ट किया होता तो हम में से कोई भी इस पार्टी के लिए ना तैयार नहीं होता तो मेरी एक और बात मान लो अगर और थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहते हो तो मेरे घर पे आज रात रुक जाओ सारे वहीं पे बाकी कसर भी पूरा कर लेंगे बचपन की यादें ताज़ा कर लेंगे चेक ने कार ड्राइव करते हुए कहा वैसे मैं मोम को बोल के आई थी कि मैं ज़्यादा लेट हुई तो जेनी के पास आज रात रुक जाऊँगी सो आई डोंट हैव एनी इशू मारिया सुकून भरी आवाज में सबके तरफ नज़रें घुमाते हुए बोली मारिया जेक नेलविन और जेनी पिछले तीन साल से एक दूसरे को जानते थे एम पढ़ते हुए मुलाकात होने के बाद से ही उन सब में गहरी दोस्ती हो गई थी करीब दो महीनों के बाद आज उन लोगों को क्रिसमस पार्टी में एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला था जेक का इस तरह उन्हें अपने घर पर बुलाने पर सभी दोस्त कुछ हैरान से हुए क्योंकि जेक उनमें से अकेला ही था जिसने कभी भी उनको अपने घर पर जाने के लिए नहीं कहा था उसका हमेशा से यही कहना था कि उसके पेरेंट्स को शोर शराबा पसंद नहीं इसी सुकून को महसूस करने के लिए जेक और उसका परिवार शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर बंगलो बनाकर रह रहे थे सारे दोस्तों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था दरअसल जेक के पेरेंट्स किसी अनजान वजह से काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थे जेक काफी समझाने के बाद नेलविन और जेनी उसे मना नहीं कर पाए जेक फायरप्लेस के पास सबको कॉफी सर्व करते हुए बोला बी कम्फर्टेबल गाइस, मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, सो इतना ऑकवर्ड मत फील करो अरे तो तुझे ये पहले बताना था ना यार मैं कब से डर डर के इधर उधर देखे जा रही चेनी की बातें सुनकर जेक हंसने लगा मारिया कुछ सोचते हुए बोली गाइस, मेरे पास ना एक आइडिया है क्यों ना आज हम सब अपना अपना क्रिसमस विश सबके साथ डिस्कस करें आई I मीन mean, हम में से बचपन में सब ने सेंटा क्लॉज को इमेजिन करके विश तो मांगी ही होगी क्रिसमस डे इज़ नॉट ओवर येट तो हम सब आज फिर से वही बचकानी हरकतें करते हैं ना भट से पहले तो ऐसा सुझाव सुनकर किसी ने भी हामी नहीं भरी पर थोड़े ही देर में जेनी ने कहा यार बहुत हुआ मारिया की बात ही माननी पड़ेगी अब बोर हो रही हूँ मैं बेहतर ये होगा कि हम क्रिसमस विश का गेम ट्राई करके देखें हो सकता है उसमें अच्छा टाइम पास हो जाए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरी विश क्या है मेरी विश ये है कि मैं पूरी दुनिया में यूं ही घूमती रहूं और ढेर सारे खूबसूरत नज़ारे देखती रहूं मारिया ने खुश मिजाज होकर कहा नेलविन ने फौरन कहा वाओ दैट साउंड्स ग्रेट तो मेरी बारी मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी कामयाबी हासिल करूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व महसूस हो मैं उनकी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरा कर पाऊँ जेनी ने नेलविन की तरफ देखते हुए कहा मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने सच्चे प्यार से मिल पाऊं और हमेशा के लिए उसकी बनकर उसका परिवार संभालू जेक सर झुकाकर चुपचाप बैठा हुआ था उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अपना विश बता दिया तो वो उन सबको नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन फिर भी झिझकता हुआ जेक अपने आप को रोक नहीं पाया और कांपते हुए आवाज़ में बोला मेरी विश ये है कि मेरी छोटी बहन वापस आ जाए बाकी के तीन दोस्त ये बात सुनते ही सहम गए उन सबको मालूम था कि कुछ साल पहले एक भयानक हादसे में जेक की बहन की मौत हो चुकी है उनको ये भी पता था कि जेक इस सच्चाई को दिल से मान नहीं पाया था जेक ऐसा नहीं हो सकता तो मरे हुए इंसान का वापस जिंदा होने की ऐसी विश नहीं मांग सकते इट्स नॉट नेचुरल जेनी सहमी हुई बोली पर अब बहुत देर हो चुकी थी जैसे ही जेक के शब्द उसके मुंह से निकलना खत्म हुआ था तभी एक काला साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया जिसके खौफनाक चेहरे पे एक विकृत सी हंसी दिख रही थी फुसफुसाते हुए डरावनी आवाज में उस साए ने कहा Your wish is my command. चारों दोस्त चिल्लाते हुए भागने लगे ताकि उस घर से बाहर जा पाए उनको ये पता था कि वो काला साया जेक की विश को पूरी करने के लिए ही वहाँ आया हुआ है लेकिन उन सबको यही लग रहा था कि हो सकता है उस विश को किसी तरह टाला जा सके कम से कम उस घर से बाहर जाकर उनकी जान शायद बच सकती है घर के सारे बाहर जाने के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करने के बाद भी उनमें से कोई भी खुल नहीं रहा था अपने अपने मोबाइल पे कॉल करने के लिए उन सब ने जैसे ही उसे अपने हाथों में उठाया तो वो सब हैरान रह गए क्योंकि उन सब का मोबाइल ऑफ हो चुका था ऑन करने की नाकाम कोशिशें करने के बाद उनमें से सब समझ गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे तैसे अपने दोस्तों को लेकर जेक एक कमरे में जाकर छुप गया और दुख जताते हुए उसने कहा मुझे माफ कर दो तुम सब मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरी वजह से तुम लोगों को समत बोल हम सब तेरा दर्द समझ सकते हैं किसी भी अपने को खोने के बाद आदमी अंदर से टूट जाता है फिलहाल के लिए हम सबको एकजुट होकर उपाय निकालना होगा नेलविन हिम्मत जुटाते हुए बोला मुझे तो बस एक ही रास्ता दिख रहा है मैंने सुना है कि अगर किसी रूह को उसके मौत के बाद बुलाया जाता है तो जिस किसी ने उसे बुलाया है उसे अपनी जान देनी होती है नहीं तो वो आत्मा कभी वापस जाने के लिए तैयार नहीं रहती इट्स अ काइंड ऑफ स्पेल सो बेसिकली जेक हैज़ टू सेक्रीफाइज इज ओन लाइफ इन एक्सचेंज फॉर यर सिस्टर्स मारिया ने जेक को देखते हुए कहा हैव यू गॉन मैर अवॉट भला जेक की क्या गलती है इसमें बेकार के सुझाव मत दिया कर मारिया कल सुबह तक यही रुके रहेंगे हम सब फिर कोई ना कोई और उपाय ढूंढ ही लेंगे चेनी ने सबसे कहा लेकिन अगर मैंने अपनी जान दे दी तो क्या मेरी बहन वापस यहां आ जाएगी और हमेशा के लिए हम दोनों साथ रह पाएंगे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है मारिया जेक उतावला होकर बोला जवाब में सर हिलाकर मारिया ने जैसे ही हां कहा जेक तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला अलविदा दोस्तों कहकर जेक उस कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया मारिया जेनी और उसके पीछे दौड़े पर जब तक वो हॉल में पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था जेक फर्श पर लेटा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहे थे अपना नस काटकर उसने खुदकुशी कर ली थी एक बार फिर उस काले साए को अपने सामने देखा उन तीनों ने पर इस बार उनके साथ और भी दो धुंधले से काले साए दिख रहे थे उनमें से एक साए ने कहा माय क्रिसमस विश केम ट्रू मेरी बहन अब से मेरे पास ही रहेगी मारिया जेनी और नेलविन को इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि जिस रात को यादगार बनाने के लिए उन लोगों ने क्रिसमस विश जैसा खेल शुरू किया था उसकी कीमत उन्हें अपने दोस्त की जान खोकर चुकानी पड़ी उन्हें ये भी पता चल चुका था जेक को आखिरकार अपने प्यारी बहन के साथ रहने का मौका मिला था और वो बहुत खुश था उस रात के बाद हम सबकी ज़िंदगी बदल सी गई अगले दिन नेलविन को अब्रॉड से जॉब का ऑफर आया ही वॉज वेरी हैप्पी ही मेड इज पेरेंट्स प्राउड उसके बाद मारिया मारिया एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन गई अब वो देश के कोने कोने पे घूमती है अब्रॉड जाती है इधर उधर बस अपनी जिंदगी जी रही है वो घूमकर दुनिया के सारे खूबसूरत नजारे अपनी आंखों से देख रही है वो जैसा कि उसने विश मांगा था और मैं मुझे भी तुम मिल गए जेम्स मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया मैं तुम्हारे साथ अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही हूं पर पता है जेम्स जेक की यादें और उस खौफनाक रात को मैं आज भी याद करती हूं तो मेरी रूह कहां पुरती है चार साल हो गए इस बात को पर मैं और मारिया फिर कभी भी क्रिसमस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए चेनी ने अपने पति जेम्स को देखते हुए कहा घो स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूले जिसे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी